तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नॉलेज। आज हम आपको बताने वाले हैं समुद्र के नीचे की दुनिया के बारे में। शुरू करते हैं, समुद्र के नीचे क्या है ये जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की दिखाई देती है और इसकी सबसे बड़ी वजह समुद्र है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग में समुद्र है और इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। समुद्र के कारण जीवन, समुद्र में ही सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बदलते समय के साथ साथ बहुत सारी प्रजातियां अस्तित्व में आईं और इसी कारण समुद्र जीवन देने वाले मुख्य कारणों में से एक है। इसके अंदर लाखों करोड़ों जीवों की प्रजातियाँ रहती हैं। आज तक मनुष्य समुद्र का केवल 5% भाग ही देख पाया है। अब ये सवाल उठता है कि बाकी के 75% समुद्र के भाग में क्या है, बात कोई नहीं जान पाया। लेकिन साइंटिस्ट समय समय पर इसकी खोज करते रहते हैं जिसकी वजह से मनुष्य कुछ हद तक समुद्र की गहराई को देख पाया है, जिसका एक उदाहरण चैलेंजर डीप भी है। फ्रांस में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी के सबसे गहरी मनुष्य द्वारा देखी गई जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर है। इतनी गहराई होने के कारण यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। चैलेंजर डीप के अंदर पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहाँ तक पहुँचना किसी मनुष्य या मशीन के लिए भी बहुत मुश्किल है। अब तक केवल 8 लोग ही चैलेंजर डीप के अंदर जाकर जीवित बाहर आ चुके हैं। समंदर की गहराई कितनी है ये जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप समंदर के अंदर 1 किलोमीटर की गहराई तक बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाएंगे तो आप इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक सामान्य इंसान समंदर के ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट की गहराई तक ही जा सकता है और इससे नीचे जाने पर मनुष्य को पानी का बहुत तेज प्रेशर का सामना करना पड़ेगा जिसके कारण उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। जबकि यह प्रेशर जलीय जीवों के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करता है, इसीलिए समंदर के 1 किलोमीटर के नीचे भी बहुत सारी मछलियां की जातियां और जलीय जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली ब्लू व्हेल 500 मीटर की गहराई तक जाती है, जबकि यह मछली आमतौर पर 300 से 350 मीटर की गहराई तक जाती है और अगर आप इससे और भी नीचे जाते हैं तो 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। यह पानी में रहकर दूसरे देशों पर नजर रखती हैं कि दुश्मन देश पानी द्वारा देश में कोई गतिविधि न कर सके। लेकिन 750 मीटर की गहराई के नीचे जाने पर पनडुब्बियां पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और देखते ही देखते फट जाती है। और 800 मीटर की गहराई पर पहुंचने पर आपको तापमान ना के बराबर मिलेगा। यह वह जगह है जहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है और इसी कारण इस जगह पर पानी का तापमान बहुत ठंडा होगा, लेकिन कुछ जलीय जीव यह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, समुद्र के 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकते हैं और इनमें विस्फोट भी होता है। विस्फोट के कारण जो गर्मी निकलती है वही गर्मी समुद्र के जीवों को जिंदा रखने में सहायता करती है और इस तरह आपको 1122 मीटर की गहराई में पहुंचने पर आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलेगा और यही वह जगह होगी जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है दुनिया के सबसे लंबे माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र के अंदर डाल दिया जाए तब भी उसकी चोटी चैलेंजर डीप को नहीं छू पाएगी और 3 किलोमीटर दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ मशीनें चैलेंजर डीप तक पहुंचने में संभव हो पाई हैं ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके, लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है ये आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।